तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम छोटन बावरी। तो गाइस, मोबाइल से किड हिस्ट्री बनाने के लिए और एक न्यू कार्टून मेकर एप्लीकेशन लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप मोबाइल से 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप इस एप्लीकेशन से बहुत ही स्मूथली जो है कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जिस टूल्स को यूज करके आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जो है एक कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको कैरेक्टर बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप खुद का कैरेक्टर इनपुट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, खुद का बैकग्राउंड इनपुट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली आप इस एप्लीकेशन से एनिमेशन कर सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम आप एनिमेशन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, कैमरा एंगल सेट करने के भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाद गाइस, बहुत सारे इफेक्ट भी आपको मिल जाते हैं जिसको यूज करके आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही आप एक प्रोफेशनल कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप किस तरह का एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। देखा, आप इस टाइप का एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल से। तो गाइस, इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, इसको कहां से आप इंस्टॉल करोगे और उसके बाद इस एप्लीकेशन से कैसे एनिमेशन वीडियो बनाएंगे, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो ओके गाइस, इस एप्लीकेशन का नाम है ड्रॉइंग कार्टून 2। तो गाइस, ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है बट फ्री में अवेलेबल नहीं है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको 170 रुपीज पैसा पे करना पड़ेगा, तभी आप इस एप्लीकेशन का फुल वर्जन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसका ट्रायल वर्जन भी है। अगर आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से तो आप इसका ट्रायल वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है। बट उसमें क्या है कि आप 1 मिनट से ज़्यादा लेंथ का एनिमेशन वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लेंथ का एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो इसका फुल वर्जन आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको 170 रुपीज़ पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप जो है 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ का एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं इस एप्लीकेशन से। बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपका भाई आपको ये एप्लीकेशन फ्री में देगा, ठीक है। आपका भाई का यही काम है सारा दिन। अगर आपको इस एप्लीकेशन का फुल वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आप जाकर फॉलो करके आप मैसेज कर देंगे ड्रॉइंग कार्टून 2 फुल। तो इस एप्लीकेशन का फुल वर्जन डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ जो है इस टाइप का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखने को मिल जाता है, एक है न्यू कार्टून। अगर आप न्यू कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्टर ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है खुद का कैरेक्टर जो है आप बना सकते हैं, इसी एप्लीकेशन से कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर बनाया हुआ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इस कैरेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है कर सकते हैं। बट अगर आपको न्यू कैरेक्टर बनाना है तो आपको न्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको न्यू बॉर्न पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको ब्रश ऑप्शन पर सिलेक्ट करके आप जो है इस टाइप से ड्रॉ करके आप जो है कैरेक्टर यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरेज का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आप एरेज करके आप इसको मिटा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कैरेक्टर बना हुआ है, अगर उसको इनपुट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको ये जो
देख रहे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद कैंची ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गैलरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से न्यू कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सिंपली सबको न्यू कार्टून पर क्लिक करना होगा। जैसे न्यू कार्टून ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको एक करके आपको समझा देता हूँ। जैसे आप थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर उसको सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, क्रिएट आइटम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एडिट सीन का और ऐड ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बैकग्राउंड कैमरा व्यू स्पीड इफेक्ट, उसके बाद ऐप सेटिंग का आपको देखने को मिल जाता है। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है यहाँ से कैरेक्टर को इंसर्ट कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसी एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे जो है कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, तो इस कैरेक्टर को यूज़ करके आप जो है कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। एडिट यूनिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर एडिट कर सकते हैं कैरेक्टर को, उसके बाद एडिट फ्रेम ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर फ्रेम को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर पेस्टेड सीन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। और राइट साइड कोन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है फ्रेम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस एप्लीकेशन से मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो बनाकर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इसके लिए मैं यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करता हूँ और एक बैकग्राउंड यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ऐड बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक ड्रॉ का, यहाँ पर ड्रॉ करके आप जो है बैकग्राउंड को बना सकते हैं, और अगर आप आपकी गैलरी से कोई ऑलरेडी बैकग्राउंड है अगर आप उसको इनपुट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सा फ़ोटो पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आपकी गैलरी खोलकर सामने आ जाएगा और गैलरी से आप जो है फ़ोटो को इनपुट कर सकते हैं। और कलर ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है कलर आप जो है बोर्ड ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से एक जो है छोटा सा सीन क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से इसी एप्लीकेशन से एक बैकग्राउंड को इनपुट कर लेता हूँ। मैं इसी बैकग्राउंड को ले लेता हूँ और उसके बाद आपको बैक कर देना है, आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, आपको फिर से बैक करना है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टा पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये इंस्टा पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एक कैरेक्टर को ले लेता हूँ। चलिए मैं इसी बॉय को ले लेता हूँ, उसके बाद मैं और एक कैरेक्टर लेता हूँ या डॉग को, ठीक है, और क्या करता हूँ मैं बैक करता हूँ। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर जो है आ चुकी है। तो आपको करना क्या है, आप कैरेक्टर को आपको टैप करना है। जैसे कैरेक्टर पर टैप करोगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन खोलकर सामने आ जाएगा। इस एरो ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है कैरेक्टर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को रोटेट कर सकते हैं, और इस ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये मूवर का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है क्या कर सकते हैं कैरेक्टर को आप पोजीशन पर सेट कर सकते हैं, कहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। तो चलिए मैं इसी कैरेक्टर को यहाँ पर ऐड करता हूँ और इस कैरेक्टर को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ठीक है, चलिए हम यहाँ से एक छोटा सा सीन क्रिएट करने वाला हूँ, तो चलिए इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एक फ्रेम को सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दूसरी फ्रेम पर जाता हूँ और इसको भी यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस टाइप से जो है यहाँ पर फ्रेम को पहले आपको सेव करना होगा। ठीक है, और एक फ्रेम सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर छोटा सा एक सीन क्रिएट करने वाला हूँ कि ये कैरेक्टर यहाँ से भाग रहे हैं और कुत्ता इसके पीछे पड़ा है। ठीक है, तो ही मैं छोटा सा एक सीन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो इस टाइप से आपको भी करना है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर बॉडी को मूवमेंट करना है और यहाँ पर आपको सेव करना है। ठीक है, तो देखिए गाइस मैं यहाँ पर सारे फ्रेम को एडिट करके जो है यहाँ पर सेव कर लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा हुआ है मेरा ये प्रोजेक्ट। प्ले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पर एनिमेशन बनाया है मैंने। ठीक है, जो कि इतना अच्छा और नहीं हुआ है जो कि मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐड इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप और भी कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ऐड यूनिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो कैरेक्टर को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कैपेसिटी, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉग को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ, उसका कैपेसिटी अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो आप देखिए डॉग का कैपेसिटी कम हो रहा है। तो इसी टाइप से यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसका फिलिप रोटेट कर सकते हैं। फिर आप खुद का फेस यहाँ पर इनपुट करना चाहते हैं इस कैरेक्टर में तो आप फेस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप डाउन का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं। बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम बना हुआ है, तो अगर आप किसी फ्रेम में गलत हो गया है तो उसको आप एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली सबको एडिट फ्रेम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है फ्रेम को एडिट कर सकते हैं, ऐड पर क्लिक कर सकते हैं, फ्रेम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस टाइप से जो है एनिमेशन इस एप्लीकेशन से करके दिखाया है। देखिए मैं जल्दी जल्दी बनाया हूँ इसलिए इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो आप बहुत ही अच्छा इस एप्लीकेशन से एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कैमरा व्यू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है कैमरा एंगल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको फ्रेम को सेव कर लेना होगा, तभी आप जो है कैमरा व्यू को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर कैमरा व्यू को यहाँ पर लास्ट पोजीशन पर सेट कर दिया हूँ और उसके बाद थोड़ा यहाँ पर जूम कर दिया हूँ। जब भी प्ले करूँगा और लास्ट व्यू में आएगा तो ये कैमरा एंगल जो है जूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में वॉइस कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप एनिमेशन वीडियो बना लेते हैं तो वॉइस तो आपको करना होगा, तो वॉइस कैसे इनपुट करोगे। वॉइस इनपुट करने के लिए आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, तो वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इनपुट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है गाइस, पर्सनली ये एप्लीकेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अगर आप एनिमेशन वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से आप सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही था गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।